आप में से बहुत कोई मुझसे पूछते हैं रैबिट्स को या फिर बेबी बनीज को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस होती है जो कि बिल्कुल सही होती है। तो वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी आज की इस वीडियो में, मेरी बेबी बनीज को क्लीन, साफ सुथरा और इतना सॉफ्ट फर कैसे मैं रखती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग मुझसे शिकायतें करते हो कि बेबी बनी जहाँ कहीं भी गोदी में लेती हूँ या फिर सोफे में बैठती है उसका फर पूरा जगह फैल जाती है, और बहुत कोई ये भी मुझसे बोलते हो कि बेबी बनी बहुत ही गंदे दिखते हैं, फर बिल्कुल गंदा हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देख सकते हो बेबी बनी सेल्फ ग्रूमिंग कैसे कर रही है। रैबिट्स हमेशा सेल्फ ग्रूमिंग करती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देख रहे हो आपके रैबिट्स थोड़ी बहुत गंदे दिख रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं पेट्स वाइप का यूज़ करती हूँ, चाहे वो मेरी डॉग के लिए हो या फिर मेरी रैबिट्स के लिए। उससे फर को कोई नुकसान नहीं होती है, फर बहुत ही ज़्यादा रैबिट्स के बॉडी में जो फर होती है ना वो बहुत ही क्लीन एंड सॉफ्ट दिखने में होती है, एंड बहुत ही ज़्यादा जो भी कलर हो, वाइट हो जो भी कलर हो, बहुत ही सुंदर बिल्कुल रुई के गोले के जैसे दिखने में हो जाते हैं। एंड उसके साथ साथ हमेशा आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रैबिट्स के फर बहुत झड़ते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं हमेशा डेली एक बार करके दिन में एक बार मैं ब्रश कर देती हूँ या फिर कोमिंग कर देती हूँ, जिससे कि उसके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फर होती है वो हमेशा निकाल देना चाहिए, अदरवाइज उसी से जो है पूरा घर पे फर और फर, ये जिनके पास पेट्स होंगे उन्हीं को पता है, है ना। तो यही है, और सेल्फ ग्रूमिंग तो करती है, अदरवाइज आप लोग पेट्स वाइप ले लीजिए, थोड़ी बहुत आप लोग उससे भी क्लीन कर सकते हो, जैसे कि कान के थोड़ी बहुत ऊपर अंदर की तरफ, ज़्यादा अंदर नहीं थोड़ी सी अंदर की तरफ, तो इससे आप लोग ईजिली कुछ भी क्लीन कर सकते हो गंदगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा गंदा है या फिर फर एक के साथ एक चिपक सी गई है, तो आप लोग कैची से थोड़ी बहुत करके ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जड़ से नहीं काटना है, ऊपर ऊपर से आप लोग ट्रिम भी कर सकते हो कैची से। तो ये रही टिप्स, और अगर आप लोग कुछ भी आइडिया नहीं है, समझ नहीं आ रही है, देन आप लोग वेटरिनरी शॉप पे या फिर डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्लिनिक पे बहुत कोई होती है, उधर पे ऑप्शन भी रहते हैं, आपके रैबिट को बिल्कुल अच्छे से ग्रूम करके आपके हाथ में दे देंगे। तो ये रही कुछ उपाय, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना, और जो मैंने उपाय बताई है इसी उपाय में से आप लोग ट्राई करना, ना कि नहलाने की गलती करना, नहलाना बिल्कुल भी नहीं है, उससे रैबिट की डेथ भी हो सकती है।